किस मर्तबा जो है पुलकेशी नगर से आप एक कैंडिडेट हो, आपने ये पुलकेशी नगर क्यों चुना? पुलकेशी नगर मैंने नहीं चुना है, ये हालात है पुलकेशी नगर के आज के जमाने में कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का सख्त जरूरत है। देखिए आज के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गरीबी हो, जो पुलकेशी नगर आज चाहता है कि हर एक मोहल्ला में या मतलब हर एक वार्ड में एक स्कूल चाहिए, जो बाहर से बेंगलुरु वाले आके यहाँ पे पढ़ाई करे। अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, हर एक स्कूल के सामने कचरे का ढेर है जो हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं पुलकेशी नगर में उनके लिए बहुत तकलीफ है। हर एक स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लो लेवल पे है आज के टाइम पे, जो 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलुरु के सारे और इलाकों में बन चुका है, वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो पुलकेशी नगर में जीरो है आज के दिन। ड्रेनेज का पानी यहाँ से पुलकेशी नगर छोड़ के बाहर जाने के लिए बहुत तकलीफ है। एक छोटी से छोटी बारिश में घरों में पानी आ जाता है, लोग रात रात तक जागते रहते हैं पानी को निकालने के लिए, तो फिर कचरे से जूझने के लिए। जो हेल्थ इश्यूज है बहुत ही बुरे हालात में है आज के टाइम पे। जो पॉलिटिक्स चाहिए पुलकेशी नगर को, वो एक नियत की पॉलिटिक्स चाहिए, जो अपने काम करे, ज्यादा पॉलिटिक्स ना करे। आज के टाइम पे पॉलिटिक्स किसी को जरूरत नहीं है पुलकेशी नगर में, सिर्फ उनके समस्या है और दैट इज नॉट बिग, वो बहुत बड़े समस्या नहीं है। पुलकेशी नगर वाले नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ पे पोर्ट आ जाए, या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होके कोई बहुत बड़ा आईटी पार्क आ जाए, ऐसा कोई कोई नहीं चाहता पुलकेशी नगर में। 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के इस सारे इशू में जो समस्याएं भरी पड़ी है, 4,500 समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने वाला एक नियत भरा पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी, देखिए मैं क्यों चूज किया वो बात नहीं आती है, पॉलिटिकल पार्टी होके आम आदमी पार्टी आज एक आम आदमी को पॉलिटिक्स में आने का मौका दे रही। कोई भी नहीं जानता था 10 साल पहले कि एक आम आदमी जो IRS ऑफिसर है, या तो फिर एक ऑटो वाला जो पंजाब में मतलब मोबाइल रिपेयर मैकेनिक, एक CM को हरा सकता है, कोई नहीं मानता था, मानने वाले बहुत कम थे। आज एक बिजनेस कर रहा करने वाला जो रोजी रोटी के लिए बिजनेस करता था, मैं मेरे एक कंसर्न्स को देख के कि मैं एक सोसाइटी को कुछ अच्छा कर सकता हूं, और मेरे लिए कोई अपने लिए कुछ करने, पॉलिटिशियंस को ये होता है कि मैं एक MLA बन जाऊंगा, बंगला बना लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, ये कोई उम्मीद मेरे से ना रखे तो अच्छा है कोई भी। मैं एक बहुत सिंपल सा आदमी हूं जो आम आदमी पार्टी के लिए सेवा करना चाहता हूं और आम जनता के लिए सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पुलकेशी नगर चुना है। पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एक्स MLA हैं, थाउजेंड्स ऑफ वोट्स जो है लीडिंग से जीत कर आए हैं, इसलिए नहीं कि वो एक इंडिविजुअल आदमी है, क्योंकि इसलिए कि वो एक कांग्रेस पार्टी के MLA है, तो लोग जो है वहां पर कांग्रेस को अहमियत देते हैं, तो आपको लगता है कि लोग कांग्रेस को छोड़कर आपको साथ देंगे इस बार? देखिए अभी जो पुलकेशी नगर में कांग्रेस MLA को इतना बड़ा बहुमत दिया था पुलकेशी नगर वालों ने, और 100% निराश है आज के टाइम पे। इतना जो मार्जिनल विक्ट्री दिया अखंड श्रीनिवास मूर्ति को, आज पुलकेशी नगर डेवलपमेंट में भी नंबर होना चाहिए, वन होना चाहिए। जब नंबर वन MLA मार्जिन है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नंबर वन होना चाहिए था, वो क्यों नंबर नहीं वन नहीं हुआ? बिकॉज जो कांग्रेस उनको फोर्स करके काम नहीं करवाया कि ये देखो आपको इतना लीडिंग दिया है, कांग्रेस वालों को बताना चाहिए था उनको, MLA को, अखंड श्रीनिवास मूर्ति को, सारा पूरा पार्टी आज जहां पे कांग्रेस को कहीं पे भी इतना बहुमत नहीं मिला जितना पुलकेशी नगर में मिला, तो कांग्रेस पूरा पार्टी आज पुलकेशी नगर के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, पूरा पार्टी, एक MLA अखंड श्रीनिवास नहीं है। आप जैसे राइटली आपने क्वेश्चन पूछा, जो बिल्कुल सही क्वेश्चन था कि कांग्रेस पार्टी को देख के लोगों ने वोट दिया, क्योंकि अखंड श्रीनिवास JDS में थे, बाद में कांग्रेस आ गए, कांग्रेस और पार्टी को देख के दिया था, तो कांग्रेस पार्टी का हर चीज में जिम्मेदारी था कि पुलकेशी नगर की डेवलपमेंट करे।
उन्होंने नहीं किया। तो अभी लोगों को ये भी जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दिया था, अखंडा श्रीनिवास को नहीं दिया था या अखंडा को दिया, कांग्रेस पार्टी को चांस देके देख लिया आपने, अभी आम आदमी पार्टी की बारी है। आपको सब कुछ रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से देख के, जो दिल्ली में काम हुआ है, पंजाब में काम हुआ है, काम को देख के आज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। सर, लोगों के जहन में आज भी कहीं ना कहीं कई सारे लोगों के जहन में जो है कांग्रेस बसी हुई है, कांग्रेस को छोड़कर किसी को वोट नहीं डालेंगे, तो आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो लोगों का जहन कैसे बदलेगा? देखिए, मेरे ख्याल से कांग्रेस जहन में है, था, दोनों डिफरेंस जहन में था इससे पहले जो अभी जो इलेक्शन आया है, ये 5 साल के अंदर अंदर, शायद 2.5 साल के अंदर, 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर लोगों को अपने डिसीजन पे सेकंड थॉट आ गया है कि ये हमने कांग्रेस को क्यों चुना, वो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अभी जो अगले 2.5 साल हुए हैं वो इसी इंतजार में हुए कि अभी इलेक्शन आ जाए, हम लोग बदल दें इसको। पीपल आर थिंकिंग टू चेंज, वो पब्लिक चेंज करना चाहती, अपने जो इरादे थे कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखा था, वो भरोसा अभी टूट चुका है। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मैं बोल रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कुछ भी काम नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, आप बताइए अखंड श्रीनिवास ने कितने स्कूल बनाए, नए स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, जो स्विमिंग पूल हो, रेसिंग ट्रैक हो, या तो फिर अच्छे से सिलेबस हो जाए, जहाँ पे सारे बेंगलुरु के पुलकेशी नगर वाले जाके लाइन में खड़े हो, अभी एडमिशन होने वाला है ना जून में, तो कौन से स्कूल के बाहर, गवर्नमेंट स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू गेट एडमिशन। नाराज है सर एमएलए से, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हुआ है या डीजेएलई का जो इशू हुआ था इसके लिए नाराज? देखिए, मैं डीजेएलई का इशू अलग है, मैं काम की बात कर रहा हूँ, काम तो जीरो हुआ। डीजेएलई के इशू में पूरे कांग्रेस को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ आज भी, टोटली इट इज ए कांग्रेस गेम जिसमें हजारों के लोग फंस गए, उनकी फैमिलीज फंस गई, बहुत लोगों ने आके वादा दिया होगा कि हम लोग सुधारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भी मुसलमानों को इनकी जरूरत रही, अरविंद केजरीवाल उस वक्त मौजूद नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर किया होगा, या मुसलमानों के चीजों पे अरविंद केजरीवाल आवाज नहीं उठाते, हर चीज के लिए हमने रिएक्ट किया है। जैसे आम आदमी पार्टी ने इस बार जब 2B रिजर्वेशन का मुद्दा आया तो हमने प्रेस नोट रिलीज करके गवर्नर तक कंप्लेंट किया। हर एक चीज ये हो जाता है कि देखो, पॉलिटिकल सियासत की जंग बहुत बड़ी है आज के जमाने में। अब अगर अरविंद केजरीवाल का आप रिसेंट सारा चीज देखोगे जो आम आदमी पार्टी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के साथ चल रहा है, ईडी, सीबीआई, सब कुछ, बीजेपी इज फुल ऑन कंप्लीटली पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश में है। अगर आप पूरी तरह से देखोगे तो एक पूरा खेल रचा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को माइनॉरिटी से दूर रखा जाए, हर एक चीज में कमेंट मांगते हैं। हम लोग, आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड है ना, हम लोग हिंदू के बारे में या तो फिर सिख के बारे में या मुसलमान के बारे में कम्युनल इश्यूज पे हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हर एक मुस्लिम कम्युनिटी में ये हो रहा है कि कमेंट अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी के ऊपर वो कमेंट नहीं करते। आम आदमी का मतलब है कि हर कम्युनिटी को साथ में ले जाना, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादातर मुसलमानों को आ रहा है। करेक्ट है, मैं बता रहा हूं ना, वही जो माइनॉरिटी पे आज बीत रही है बीजेपी के जुल्म की वजह से, वही पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी होने के बावजूद आम आदमी पे बीत रही है। आज हमारे सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, ये देखिए आप जानते जानते 2024 को टारगेट रखे बड़े बड़े लोगों को जेल में डालने की कोशिश चल रही है। जो माइनॉरिटी की बात आप करते हो वही पॉलिटिकल माइनॉरिटी वाले दबाव आम आदमी पार्टी पर भी है, और आम आदमी पार्टी को हमेशा से वो सारा कम्युनिटी जिसके साथ हम लोग सिंपथाइज रखना चाहते हैं उनसे दूर रखने की कोशिश है। तो अभी क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, डेवलपमेंट एक मुद्दा है बहुत बड़ा, और मुझे
पुलकेशी नगर के डेवलपमेंट में कम्युनल चीज नहीं लाना चाहिए। अगर आप बोले हुए कि इन्हीं चीजों को रख के हम लोग वोट करेंगे, फिर एक बार कम्युनल चीजों को ही रख के वोट करेंगे कि ये इनके हित में जाएगा इनके हित में नहीं जाएगा, वो चीजों को छोड़ के आज हमें पुलकेशी नगर के ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहिए कि अगर हम लोग डेवलपमेंट मॉडल पे वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को, तो हम वेरी सिंपल, मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं जो हर एक चीजों को जानता हूं। मेरे लिए एक एडवांटेज था, वो एडवांटेज ये था कि 3.5 सालों में मैं जिधर जिसी गली में गया, मैं भुवनेश्वर नगर गया, कावल बेसन रहा, इसके गार्डन, जहां पे भी गया, लोग मुझे लीडर की तरह नहीं देखते थे, एक आम आदमी की तरह देखते थे। इसलिए मुझे इमीडिएटली मैं मर्ज होना, मतलब लोगों के साथ घुल मिलने के लिए मुझे आसानी होगी, इसलिए मुझे लोगों का हर एक समस्या मालूम। जो मैं मैनिफेस्टो रिलीज करूंगा 24th के बाद मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट होते ही, वो इन हर चीजों को कम्युनिट टच करते हुए मैं हर जो व्यक्ति है, मुसलमान हो, SC ST हो, क्रिश्चियन हो, जो पुलकेशी नगर में रहने वाला है, उसके डेवलपमेंट के बारे में मॉडल लेके आना चाहता हूँ। और मेरा सपना है कि पुलकेशी नगर का जो पूरा ये इलाका है अगले 5 साल में एक बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप करके दिखाएंगे सबको। क्या भरोसा है कि लोग क्यों आपके साथ? देखिए, अभी रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास, हम लोग काम करना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग बात बहुत लोग करेंगे, बहुत आश्वासन करेंगे, ये करेंगे, जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं, मैनिफेस्टो जो देता है आम आदमी पार्टी, अगर कोई भी एक पार्टी जो मैनिफेस्टो देने के बाद 99% या 100% काम नहीं किया हो, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो हमने गारंटी दिया है दिल्ली वालों को या पंजाब को या जहां पे भी हमने जो बात की है, वो हमने साकार करके दिखाया है।